सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता अध्यापिका हूँ कंपोजिट विद्यालय गोयना जनपद हापुड़ में। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमारे पास में तीन बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक हस्तपुस्तिकाएँ आई हैं। उन्हीं में से एक है शिक्षण संग्रह। शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका, अगर हम इसके बारे में ब्रीफ में अगर हम देखना चाहें तो इस हस्तपुस्तिका में शिक्षकों की आवश्यकताओं और उनके व्यावसायिक विकास को ध्यान में रख करके इसका निर्माण किया गया है। और उस अपने विकास के लिए हमें जो जानकारी चाहिए, जो सूचनाएं चाहिए, उन सभी का समावेश इसमें किया गया है। अब हम इसका देखते हैं कि इस शिक्षण संग्रह के कितने भाग हैं और उनमें क्या क्या हमारे लिए उपयोगी है। शिक्षण संग्रह में हमारे जो कक्षा शिक्षण है उसको हम रुचिकर कैसे बनाएं और प्रभावी कैसे बनाएं, उसके लिए किस तरह से हम योजना बनाएं, एक पुस्तकालय को सक्रिय रूप में कैसे चलाएं, शिक्षक डायरी का निर्माण कैसे करें, अपने विद्यालय भवन को हम किस तरह से आकर्षक बनाएं जो एक सीखने की सामग्री के रूप में हमारे लिए काम करें, तो इन सभी का हमारे इस मॉड्यूल में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। अब अगर हम इसकी अनुक्रमणिका पर एक नज़र डालें तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कुल छः भाग हैं। इसके भाग एक में है इस शिक्षण संग्रह की अवधारणा क्या है और आवश्यकता इसकी क्यों पड़ी। दूसरा इसमें है शिक्षण संग्रह की जो अंतर वस्तुएँ हैं वो सब यहाँ पर दर्शाई गई हैं। उसके बाद व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना भाग तीन में है। भाग चार में हमें बताया जाएगा कि सीखने के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग हम कैसे करें। पांचवें भाग में आता है विद्यालय नेतृत्व या स्कूल लीडरशिप के बारे में। और छठा भाग इसमें डिफरेंट परिशिष्ट दी गई हैं जिनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। आज हम इसका भाग एक जिसमें इस संग्रह की अवधारणा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो अगर हम इसकी आवश्यकता की बात करें तो हम सभी को जैसे कि ज्ञात है कि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका वातावरण का प्रभाव बच्चों के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। हमारी जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उसमें जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो अपने कार्य अपने आचरण के द्वारा विद्यार्थियों को बहुत सारी अच्छी आदतें जैसे अनुशासन में रहना, विद्यालय के नियमों का पालन करना, शिक्षकों का सम्मान करना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये सब वो सहज ही उनमें विकसित करते रहते हैं। और यही गुण आगे चलकर के बच्चों के व्यक्तित्व और उनके सामाजिक जीवन में संस्कारों के रूप में दिखाई देते हैं। अब अगर बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में विद्यालय के शैक्षिक वातावरण की ये जो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर हम इसके संदर्भ पर विचार करें तो जो मेन पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहला कि विद्यालय भवन हमारा बहुत ही आकर्षक और साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, विद्यालय भवन की जो बाउंड्री वॉल है उस पर हम राष्ट्रीय प्रतीक, रोचक खेल, पशु पक्षियों के रंगीन चित्र, ये सब डेकोरेट कर सकते हैं। विद्यालय भवन की जो दीवारें, खंभे, फर्श, बरामदे, वहाँ पर हर जगह का उपयोग करते हुए महापुरुषों के चित्र, आदर्श वाक्य, सूक्तियाँ, वर्णमाला, ये सब उनसे सजा सकते हैं। कक्षा कक्षों में समय सारणी, शैक्षिक चार्ट, मॉडल्स, लर्निंग आउटकम के चार्ट, जो हमारे केमिकल फॉर्मूले हैं, जो मैथ्स के फॉर्मूले हैं, साइंस के, वे सब हम वहाँ दिखा सकते हैं। विद्यालय का जो हमारा प्रांगण है उसमें पेड़ पौधे, वहाँ की जो वाटिका है, फुलवारी, उन सब का हम कैसे शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और प्रार्थना स्थल पर हर दिन हम जो योग अभ्यास, पीटी, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग, इन सारी गतिविधियों का संचालन कैसे करें। कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा शिक्षण योजना के अनुसार पूरी लगन के साथ शिक्षण किया जाना है, इसके बारे में चर्चा है। और कक्षाओं में बच्चों द्वारा सहज भाव से आनंदपूर्वक सीखने में वो कैसे संलग्न रहें, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करी गई है। शिक्षकों द्वारा बच्चों को कार्यों का निरंतर असेसमेंट करते हुए उन्हें सकारात्मक फीडबैक देना, कुल मिलाकर के स्कूल का वातावरण ऐसा हो जिसमें जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी और शिक्षक वो दोनों मिलकर के
जो हमारे स्कूल की कक्षाएं हैं, जो विद्यालय का परिसर है, वो सब इस तरह से हो कि वो सीखने को वो बल दे। तो हम इस शिक्षण संग्रह या कंपेंडियम एक ऐसी हस्तपुस्तिका है जिसमें सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशल, शिक्षण योजनाएं, लर्निंग आउटकम, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये सब साथ में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हमारे प्रभावित करने वाले मेन फैक्टर्स हैं वो उन सब से संबंधित है। इसमें कहा भी गया है कि कंपेंडियम इज़ अ सेट ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, प्रोसेसेस, टेक्निक्स रिगार्डिंग स्कूल बिल्डिंग, कैंपस, टीचिंग स्किल्स, टीचिंग प्लान्स, लर्निंग आउटकम्स, टीचर डायरी, स्कूल लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज एक्सेट्रा, विच आर यूज्ड बाय स्कूल टीचर्स इन देयर रेगुलर क्लासरूम टीचिंग प्लान एंड प्रैक्टिसेस। तो बिल्कुल एकदम हमारे माइंड में एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया है कि इस संग्रह में हमें क्या क्या मिलने वाला है। अब इस शिक्षण संग्रह का उपयोग हम कैसे करें एज अ टीचर? तो शिक्षण संग्रह का विकास जो है वो हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किया गया है। जो हम जब टीचिंग का काम कर रहे होते हैं उस समय हमें अपनी फील्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको ध्यान में रख के किया गया है। तो इसमें जो तरीके हमें बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि शिक्षण संग्रह में उदाहरण के रूप में जो शिक्षण योजनाएँ हैं वो दी गई हैं। संग्रह में जो भाषा, गणित, विज्ञान इन सब विषय से संबंधित शैक्षिक क्रियाकलाप, रोचक गतिविधियाँ इसमें दी गई हैं। कक्षावार लर्निंग आउटकम्स और उनके आकलन की विधियाँ भी यहाँ पर दी गई हैं। हमारा विद्यालय भवन और परिवेश को आकर्षक कैसे बनाएं इसके बारे में जानकारी है। संग्रह में स्कूल में जो हम प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभाएँ करेंगे उनमें बहुत सारी हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या करवा सकते हैं उसके बारे में जानकारी है। इसमें इनोवेशंस का उल्लेख है जिनका उपयोग हम अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कर सकते हैं। और इस कंपेंडियम में हमारे जो स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए विद्यालय नेतृत्व से संबंधित जानकारी भी दी गई है जिससे विद्यालय विकास की योजना बनाकर वो विद्यालय में अपेक्षित शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। इस संग्रह में उत्तर प्रदेश में कार्यरत कुछ शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों द्वारा जो सफलतापूर्वक अनुकरणीय काम करे जा रहे हैं उनकी केस स्टडीज़ दी गई हैं जिनको पढ़कर निश्चित रूप से हम अपने विद्यालय का वातावरण गुणवत्ता युक्त बना सकते हैं। इस शिक्षण संग्रह में प्रभावी शिक्षण को अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक एक मार्गदर्शक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिनका उपयोग हम अपने कक्षा शिक्षण में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब हम सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें, सीखते समय वो आनंद का अनुभव करें, हमारी पाठशाला आकर्षक हो, संसाधनों से समृद्ध हो, साथ ही हमारे पास में ऐसी सारी जानकारियाँ हों, सारे उपकरण हों जिनका उपयोग हम अपने दैनिक शिक्षण में कर सकें। शिक्षा को बच्चों और हमारे समुदाय के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, जब ये सब चीज़ें होंगी तो हमारा शिक्षण, हमारा शैक्षिक वातावरण निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। अब क्योंकि हमारे पास में ये तीन हस्तपुस्तिकाएँ आई हैं और हमसे अपेक्षा करी गई है कि एज अ टीचर हम इनको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करें और अपने क्लासरूम्स में इनको इसमें जो अच्छी विधियाँ और टेक्निक्स हमें दी गई हैं उनका उपयोग करें, तो इसके मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। इन तीनों हस्तपुस्तिकाओं की मॉनिटरिंग के लिए बताया गया है कि हर स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षावार, विषयवार जो निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उपलब्धि का आकलन करने के लिए कक्षा की दीवारों पर पोस्टर लगाए जाएंगे और जिनका समय समय पर जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो अवलोकन करेंगे और अनुश्रवण करेंगे। ब्लॉक स्तर पर जो हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स की एक टीम है वो प्रेरणा ऐप के माध्यम से अनुश्रवण करेगी और जिला स्तर पर जो टास्क फोर्स गठित करी जाएंगी वो भी हमारी शैक्षिक गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण करेंगे। प्रदेश स्तर पर विद्यार्थियों की शैक्षिक संप्राप्ति की प्रगति को जांचने के लिए लर्निंग आउटकम से संबंधित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी जिनके आधार पर जो शैक्षिक उपलब्धियां हैं उनका अनुश्रवण किया जाएगा और हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने क्षेत्र में नियमित रूप से
निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक सुपरविजन करेंगे और ये शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के समूह बना करके उन पर शैक्षिक नवाचार शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुश्रवण भी करेंगे। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक हर महीने के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करेंगे और बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करेंगे। स्कूल के प्रधानाध्यापक अभिभावकों स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम के स्थिति से अवगत कराएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा ये शिक्षण संग्रह यानी कि कंपेंडियम का भाग एक, इसमें बहुत अच्छी तरह से हमें बताया गया है कि इसके अंदर हमें क्या क्या सामग्री मिलने वाली है, उसका उपयोग कैसे हम अपने शिक्षण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।